स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। आए दिन किसी न किसी नेता का सेक्स वीडियो या कहीं के सेक्स स्कैंडल में नाम होना एक आम सी बात हो गई है। बता दें हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बेहद ही गर्म है, लेकिन इसी बीच एक नेता के सेक्स वीडियो वायरल होने के बाद से मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। मामला है हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का। दरअसल प्रज्वल पर रेप का आरोप लगा है। पिता HD रेवन्ना पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वह महिलाओं का शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब तक दो महिलाएं सामने आई हैं। 47 वर्षीय एक पीड़ित महिला को JDS विधायक HD रेवन्ना के घर मजार स्पोर्ट निरीक्षण के लिए बसंत गुड़ी लाया गया। इस दौरान महिला के साथ हॉलन नरसिंहपुरा टाउन पुलिस और SIT की टीमें भी मौजूद रही। ये वही घर है जहाँ महिला ने उसका रेप किए जाने का आरोप लगाया था। इधर इस केस में वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित महिलाओं ने खुद को या तो घरों में कैद कर लिया है या फिर वे शहर छोड़कर चली गई है और कई तो इस सदमे में भी हैं। JDS के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल 33 को जैसे ही राज्य सरकार द्वारा अपने खिलाफ मामले की जांच के आदेश की खबर मिली तो वो जर्मनी के लिए रवाना हो गए। प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का बड़ा आरोप भी लगा है। प्रज्वल के खिलाफ भारत के सभी हवाई अड्डों पर ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस देशों को आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में किसी व्यक्ति के स्थान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और साझा करने में मदद करता है। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने दावा किया है कि वे अपने भतीजे प्रज्वल के संपर्क में नहीं हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेष जांच दल SIT के सूत्रों ने कहा है कि उन्हें सोमवार और मंगलवार को भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आई, लेकिन उन्होंने विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। हालांकि कुमार स्वामी ने दावा किया है कि अब तक किसी ने भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं किया। वहीं JDS विधायक HD रेवन्ना को मंगलवार को यहां स्थित एक विशेष अदालत से राहत नहीं मिल सके। वहीं बता दें कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। बता दें HD रेवन्ना SIT की हिरासत में है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बने रहिए NBC न्यूज के साथ।